रेंजर्स के जो ठिकाने होते हैं वहाँ पे लश्कर और जैश के टेररिस्ट भी रहते हैं और स्नाइपिंग बेसिकली वो लोग करते हैं, और कहीं पढ़ रहे थे कि कहीं उन लोगों को उस हिसाब से पैसे वैसे भी मिलते हैं, तो वो ये उनके उनके ठिकानों पे, रेंजर्स के ठिकानों पे लश्कर और जैश के होने का आपका क्या तजुर्बा है, मतलब कितना? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो हमारी सिस्टर एजेंसीज उस बात की तायद करती हैं, उसको वेरीफाई करती हैं कि बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स हैं बॉर्डर्स के सहारे, और लॉन्चिंग पैड्स बने हुए हैं जहाँ सैकड़ों की तादाद में मिलिटेंट्स मौजूद हैं। और हम ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है टू हेल्प टेररिस्ट टू पुश मिलिटेंट्स इन टू इंडिया। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जियाउल हक ने जो अपनी डॉक्ट्रिन बनाई थी टू मेक इंडिया ब्लीड बाय 1000 cuts, वो ये जो आप बता रहे हैं कि मिलिटेंट्स को भेजना करना, ये उसी डॉक्ट्रिन का, उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है। इन्फिल्ट्रेशन हैज़ बीन फ्रॉम द LC, the IB, we have ensured that there is no infiltration on the IB.